और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात विशेष संचारी रोग नियंत्रक दस्ता अभियान का राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला तथा मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को बुखार के समुचित इलाज की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि दिमागी बुखार जानलेवा हो सकती है या फिर रोग के बाद शारीरिक और मानसिक विकलांगता भी ला सकता है, इसलिए बुखार होने पर तत्काल नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाया जाए। जनपद के प्रत्येक सीएचसी पीएचसी पर बुखार के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर सभी ने अपने गांव, ब्लॉक, जनपद और प्रदेश को दिमागी बुखार से मुक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने इसकी प्रतिबद्धता दोहराई कि शौचालय का प्रयोग करेंगे और अन्य लोगों को भी प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। वहीं व्यक्तिगत साफ सफाई रखने और अपने घर के आसपास की भी सफाई रखने के लिए भी शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही यदि कोई बुखार से पीड़ित होगा तो उसके परिवार को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल हेतु ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। मामले में मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि इस बीमारी का सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा 1 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को होता है और इसलिए इनकी विशेष सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला और मुख्य विकास अधिकारी ने भारतीय स्टेट बैंक के 67वें बैंक दिवस पर जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया और रक्तदान करने वाले लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी को जीवन दान दे सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिभाग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर एके सिंह, एसीएमओ डॉक्टर एसएल वर्मा और विभागीय कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।